he will hear, he is here to review the decisions taken by the Chief Minister's commitment. था मेरा पर्पज आज की सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ बैठ के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे एक रिव्यू किया जाए. सो इसमें पर्टिकुलरली फोकस था कि जितनी हमारी स्कीम्स हैं जो काफ़ी अरसा से चल रही हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो पहले डिसीजंस हुए हैं वो हम कहाँ तक पहुँचे हैं. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा के उनके कमिटमेंट्स हैं जो उनके ऑफिस के, उन पर क्या क्या काम हुआ है और इसके अलावा और कोई जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं कठुआ ज़िले में जो चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल में एक रिव्यू लेंगे. तो क्या कैसा लग रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस? नहीं, डेफिनेटली ऑफिसर्स दे आर डूइंग देयर बिट, सारा काम कर रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं जहां कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं तो वो मैंने डी साहब को भी बोला है. मैंने ये भी कहा कि मुझे भी बताइए जो गवर्नमेंट के लेवल पर टेकअप करने वाली हैं, फॉलोअप करने वाली चीज़ें वो की जाएंगी और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसको और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने इनको मेडिकल कॉलेज का इशू है वो पेंडिंग है कुछ उसके अलावा. हाँ, उसके लिए मुझे एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो कि PWD है उसने बताया है कि इनके टेंडर्स बहुत जल्द ही अब कंप्लीट होने वाले हैं. अप्रोच रोड और ब्रिज की बात की इन्होंने कि विद इन डेज वो हो जाएगा और जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल कॉलेज का उसके बारे में बताया गया कि विद इन अ मंथ्स टाइम इनके जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो टेंडर्स खुल के उसकी इवेल्युएशन जो होनी है जिस स्टेज पे वो कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद